और ये हरी हरी चटनी। 2007 तो ये वाला काम पर चल रहा है, तकरीबन 16 साल हो गए। 16 गुड़िया दीदी, सच में मजा आ रहा है ना, आधा खा लो। वाली शॉप पे पहुंच गए, अब हम खाएंगे। कौन सा है पकोड़े वाली शॉप? पीछे ओ हाँ, वो पीछे आए। हम लोग आए हैं यहाँ पे स्पेशल आज फ्रेंचाइजी पकोड़े पनीर के खाने के लिए मुंशी राम जी के यहाँ। तो मुंशी राम स्वीट्स बहुत फेमस है करनाल के अंदर, और मैं आपको बता दूं ये सीक्रेट है, किसी को बताता नहीं था मैं। मेरे को बहुत लोग पूछते थे कि ये पकोड़ा कहाँ से लेके आते हैं, मैंने किसी को नहीं बताया था। आज भाभी ने बहुत प्रेशर किया और हम लोग ब्लॉग में आज सबको अपना सीक्रेट खोल दिया। तो गए और ये करनाल का मेरठ रोड है, बड़ा फेमस है लाल घोड़े चौक से। तो अगर आप हाईवे से आते हैं दिल्ली की तरफ से या पंजाब साइड से, तो आपको मेरठ रोड के फ्लाईओवर के नीचे से आना है, और दीनदयाल पंडित दीनदयाल उपाध्याय के नाम से गेट बना हुआ है आप हाईवे की तरफ से आओगे तो। और अगर आप इधर चीका अपना कैथल साइड से आते हैं तो आपको इनर से आना पड़ेगा, तो आपको निकल के आना पड़ेगा करनाल अंदर अंदर से, तो आपको लाल घोड़ा चौक से अपना कलंदरी गेट की तरफ से आना पड़ेगा। अच्छा होता है। हाँ। अभी हम लोग चल रहे हैं उनकी शॉप पर, और हम आपको दिखाएंगे वहाँ पे पकौड़े कैसे तैयार होते हैं। गए ना आते आते, ठंडी बहुत लग रही है, ठंड भी लग रही है। आपने कैप नहीं पहना, ऐसे कैप पहना कैप, यशा कभी कैप ले लेना। यशा रोड क्रॉस मत करना, अभी मैं मेरे साथ ही चलना है, ऐसे नहीं भागना, ठीक है। तो आपको जीजू ने बता दिया हम किस लिए आए थे करनाल, क्यों आए थे आप लोगों को बता दिया। अब हम अंदर जा रहे हैं और आपको दिखाएंगे पकोड़े कैसे तैयार करते हैं। इतनी टेस्टी है, मैंने कभी भी ऐसी चीजों के लिए जिद नहीं किया था, बट मैंने पहली बार मैंने बोला मुझे नो, वन सेकंड ऐसे भागना नहीं है, रोड में क्रॉस कराऊंगी। मेरे को यहाँ के पकौड़े बहुत ही पसंद आया, और इनको मैंने बोला प्लीज चलते चलते घूमना भी हो जाएगा आप लोगों के साथ, चलना भी मतलब ट्रिप फर्स्ट ट्रिप भी हो जाएगा, तो मैं इनके साथ आई हूँ। तो अब मैं जा रही हूँ अंदर। बता रहा था कि काफी फेमस है यहाँ पे मुंशीराम, तो इनकी यहाँ पे दो शॉप्स हैं। दूसरी शॉप जो है वो भी करनाल के अंदर ही है, मुझे पता नहीं था, तो मैं आपको लेके आया हूँ यहाँ पर। सो गाइज ये है मुंशी राम्स, और यहाँ पे ये इनकी पहली शॉप थी। एक इनका एक शॉप और है, वो भी इधर ही करनाल में खुला हुआ है, तो आप देख रहे हो मेरे सामने। अब मैं आपको अंदर लेके चल रहा हूँ। ये हमारी भाभी जा रही हैं पहले अंदर, ये हमारे बच्चे, इनकी डिमांड पे आज दिल्ली से देखो स्पेशली मेरे को यहाँ तक लेके आई हैं। ये देखो यहाँ पे अभी पकोड़े ये लोग रेडी कर रहे हैं, और ये अभी इन्होंने समोसा डाल रखा कढ़ाई के अंदर। ये देखो ये फ्रेंचाइजी हैं, ऐसे इनका जो है साफ सफाई से ये लोग रखते हैं। आज अंकल जी शॉप पे मेरे को दिख नहीं रहे हैं। ये हमारे वीर जी हैं। वीर जी सत श्रीकाल जी। ये वीर जी यहाँ पर जॉब करते हैं, अंकल के बाद ये यहाँ पर सारा देखते हैं, हैंडल करते हैं। तो कैश काउंटर पे वीर जी यहाँ पे ड्यूटी देते हैं, और बहुत अच्छे वीर जी हैं। हम जब भी अमृतसर आते जाते हैं तो हम इनसे लेके जाते हैं पकौड़े। तो ऐसे इनका स्वीट्स का जो है सारा, ये इनके अपने यहाँ से बनाया हुआ सब पेस्ट्रीज। ये देखिए आप स्पॉन्ज रसगुल्ला है, राजभोग है, और ये इनकी चाइना मुर्गी है, स्पेशल इन्होंने चाइना पाई बना रखा है। मैं आपको एक एक चीज दिखा रहा हूँ, ये इनके अपने बनाए हुए हैं, देखिए बिस्किट्स वगैरह सब। ये मुंशीराम स्पेशल है, करनाल में मेरठ रोड पे है।
ये देखिए, ये इनकी स्वीट्स है, ये सिंपल पेड़ा है, गुलाब जामुन है, ये स्मॉल जामुन है, यहाँ पर दाल पिन्नी है, देसी बर्फी है। मैं आपको बता दूँ, ये देसी बर्फी जैसे देसी लग रही है दिखने में, खाने में बहुत स्वीट है। ऐसे ये मुंशीराम मूंग दाल बर्फी है, ये बहुत स्पेशल है इनकी। यहाँ पर ये जितना आइटम है इनका सब, ये पतीसा आप देखो देसी घी का बना हुआ, और ये देखो मैं आपको बताता हूँ, ये शाही लड्डू, ये मेरा फेवरेट है, ये शाही लड्डू हमारी भाभी का फेवरेट है, मैं खाऊंगी भी अभी। और ये इनका ऐसे देखो बेसन का लड्डू है, बेसन का लड्डू भी है, छोटी बूंदी के लड्डू भी है, केसर लड्डू सब कुछ है। तो हम लोग आज स्पेशल दिल्ली से एक्सप्लोर करने आए मुंशीराम। मैं परसों आया था, पकौड़े ले गया 100 ग्राम, तो एक ही पकौड़ा भाभी को मिला था खाने के लिए, तो उसी को खाने के लिए दोबारा हम लोग करनाल आए। तो इनकी एक और शॉप है, मैं अभी वीजी से पूछ के बताता हूँ करनाल में इनकी दूसरी शॉप का है, मुझे आइडिया नहीं है। वीजी अपनी एक शॉप और है करनाल में, कौन सी जगह पे है वो? उधर हांसी रोड साइड है, कैथल रोड पे, एक तो लगभग 3.5 किलोमीटर होगा यहाँ से, तकरीबन 3.5 किलोमीटर है कैथल रोड पर, हांसी रोड है, तो वहाँ पे इनकी एक और शॉप है। तो गाइज हम लोग अभी आपको, ये बच्चे हमारे देखो पेस्ट्री एंजॉय कर रहे हैं यहाँ पर, यहाँ पे देख रहे हो आप, ये चीज हमारे अभी तैयार हो रहे हैं, ये इनका अपना खुद का मसाला है, इनकी अपनी खुद की रेसिपी है, और ये तैयार कर रहे हैं यहाँ पर। हमने आधा किलो लिए थे, हमें पता भी नहीं लगे, आधा किलो हमने खड़े खड़े खा लिए यहाँ पर ब्लॉग बनाते बनाते, और अब ये दोबारा से हम लोग आधा किलो इनसे फिर करवा रहे हैं। समोसे भी है साथ में, ये रहा हमारा पनीर का पकौड़े। यार मैं बहुत खुश हो रहा हूँ, क्योंकि मुझे जो शॉप के ओनर हैं वो अभी अभी जस्ट दुकान में एंटर किए हैं, तो मैं आपसे उनकी मुलाकात करवाता हूँ। गुलशन ग्रोवर जी उनका नाम है, तो मैं अभी आपको उनसे रूबरू करा रहा हूँ, वो आपको बताएंगे दुकान कब से चल रही है, कितना टाइम इस दुकान को हो चुका है, तो मैं अभी आपसे उनको मुलाकात करवाता हूँ इसमें। गाइज ये है मिस्टर गुलशन ग्रोवर जी, तो मैं पहले आपको इनके फादर की फ़ोटो शेयर कर दूँ। ये मुंशीराम ग्रोवर जी हैं जिनके नाम से ये शॉप चल रही है, और ये इनके बेटे हैं गुलशन ग्रोवर जी, ये आपको बताएंगे कब से शॉप ये चल रही है। नमस्कार अंकल, कैसे हैं? नमस्ते बेटे। बेटे 2007 तो ये वाला काउंटर चल रहा है, तकरीबन 16 साल हो गए। 16 साल इस शॉप को हो गए हैं, 2007 से ये शॉप चल रही है मुंशीराम के नाम से। तो अंकल जी, आप थोड़ा अंकल जी का लुक चेंज हो गया है, पहले अंकल जी क्लीन शेव रहते थे, आजकल अंकल जी ने ये गुरु महाराज जी कृपा से इनका ये अब रूप बन गया। तो ये अब इस इनकी दो शॉप्स हैं, मैंने आपको पहले भी बताया था, एक हांसी रोड पर है करनाल के अंदर, और एक ये मेरठ रोड पर है। तो मेरठ रोड वाली जो शॉप है वो मैंने आपको बताया, आप हाईवे की तरफ से आएंगे तो पंडित दीनदयाल उपाध्याय गेट है, उस तरफ से पड़ता है। तो करनाल मेरठ रोड पे मुंशीराम स्वीट्स के नाम से फेमस है ये शॉप, बाकी सब आपको मैंने मेंशन कर ही दिया था। थैंक यू सो मच अंकल जी, आपने हमारे व्लॉग में जो है, बहुत अच्छा लग रहा है मेरे को आप आ गए, पहले मैं सारे स्टाफ से पूछ ही रहा था। थैंक यू सो मच अंकल। स्टाफ है, बहुत ही स्वीट नेचर है इन लोगों का, और बहुत फ्रेंडली नेचर है। ये भैया यहाँ पे हैंडल करते हैं पैकिंग, प्रवीण कुमार भैया का नाम है। माय नेम इज शिवशंकर कुमार यादव, आई एम फ्रॉम बिहार, रामू। भैया का नाम रामू है, और ये भैया बिहार से बिलोंग करते हैं। बिहार कौन से जिले से? दरभंगा जिला से। मैं आपको बता दूं गाइस, ये हमारे भैया एक और स्टाफ है यहाँ पे, क्या नाम है आपका? अरुण कुमार राय। हाँ जी, अरुण कुमार राय। सो गाइस, ये मुंशीराम जी के अपने बनाए हुए बिस्किट्स वगैरह हैं सब, ये जितना आइटम आप देख रहे हो यहाँ पे, ये सारा आइटम इनके यहीं पे बनता है। और मैं आपको बता दूं, ये पीछे से स्टेयर्स ऊपर जा रही है, आप देख रहे हो इनका सारा सामान जो है ऊपर तैयार होता है। ये मैं आपको बताना भूल गया था, ये खोया रोल है इनका, बड़ा फेमस रोल है खोया रोल। हमें दिखा रहे हैं यहाँ की स्पेशल भाजी, गिनती करवा लेते हैं इधर। ये मुंशीराम स्पेशल भाजी है जो शादी वगैरह में दी जाती है अपने,
इनका किसी का ऑर्डर आया हुआ है, देखो आप, मैं ऑर्डर दिखा रहा हूँ। ये भैया हैं, भैया आपका नाम? ईशांत। ईशांत भैया, ये देखो, ये इतना डब्बा जो है ये भाजी का ये लेके जा रहे हैं, देखो ये कितने डब्बे हैं भैया, 55 पीसेस यहाँ से ये लेके जा रहे हैं, और उसके ऊपर भी अभी यहाँ पे पैकिंग पड़ी हुई है। तो गाइज मैं आपको दिखा रहा हूँ इनका स्पेशल, ये आप यहाँ पे जब भी आएंगे आपको एवरी टाइम जो भी आपको चीज चाहिए आपको मिल जाएगी। और मैं आपको अब इनका रेट लिस्ट जो है यहाँ पे क्या क्या आइटम है वो आप देख सकते हैं। 10 आइटम इन्होंने यहाँ पे लगा रखी है मुंशीराम स्पेशल के नाम से। और फ्रेंचाइजी जो हम खाने आए थे यहाँ पे, फ्रेंचाइजी वो 520 पर केजी है यहाँ पर। तो मैंने रेट भी जो है यहाँ पे मेंशन कर दिया आपको। मेजर सिंह, MAJR मेजर सिंह। तो हमारे मेजर सिंह समोसे तल रहे हैं, ये देखो मेजर सिंह। और भैया का नाम? नरेश। दिनेश? नरेश। नरेश, नरेश, नरेश क्या है भैया? हाँ जी, आप क्या बोल रहे थे? आलू वाले, दाल वाले? नहीं नहीं, क्या चार तरह के हैं, चार तरह के आपके पास समोसे अलग अलग मिलते हैं, तो किस किस का? एक चौमिन वाले, दाल वाले, एक दाल वाले, कौन सी दाल? मूंग दाल। मूंग दाल वाले, पनीर वाले, पनीर वाले, एक आलू वाले, चार तरह के, एक दाल वाले, एक पनीर वाले, एक चौमिन वाले, है ना, एक मूंग दाल वाले। हाँ, थैंक यू। अब हम एंजॉय करने जा रहे गरम गरम पकौड़े, खाना जीजू। अच्छा, हरी हरी चटनी, हरी हरी चटनी, गरम। तो गाइस ये इतने गरम है, अभी बहुत गरम है, ये हाथ भी नहीं लग रहे हैं बहुत। अभी उन्होंने हमें तल के दिए, जस्ट मैंने आपको दिखाया था। और ये फेमस पकौड़ा है करनाल का, देखो। अब मेरे से रुका नहीं जा रहा गाइस, आई एम सॉरी। दिखा दो, इतना बाइट ले लो ना, कुछ नहीं होता, क्रिस्पी होता है ये पकौड़ा, मजा आ गया। हाँ जी जू, लोगों को लगता होगा ना कि ये पनीर पकौड़े तो है, बट इनका जो बनाने का तरीका होता है, इनका रेसिपी क्या है, मतलब वो अलग ही, बिल्कुल अल्टीमेट टेस्ट है, बहुत ही डिफरेंट रेसिपी है। वैसे मैं कभी नॉन वेज खाया नहीं है, तो मुझे नॉन वेज का आइडिया नहीं है, लेकिन मेरे जितने फ्रेंड्स में खाए हैं, जिनको भी मैंने खिलाया, वो सब मेरे को बोलते हैं इसका जो टेस्ट आता है वो फिश जैसा आता है, क्रिस्पी फिश फ्राई। आई डोंट नो फिश कैसी होती है, बट मैंने ये पकौड़ा शुरू से यही खाया, तो मुझे ये अच्छा लगा। अच्छा लगा है, मुझे ये पकौड़े बहुत पसंद है, मैंने फर्स्ट टाइम खाए थे, तब से मैं जब भी करनाल से मैं जाती हूँ तो मैं जरूर खा के जाती हूँ पकौड़े। और आज हमने आपको दे दिया, मुझे थोड़ी सी दे दो। अब हमारे हमारे गाड़ी में हो रही है क्या, ये यशा नूर पौड़ी, पौड़ी तो अभी शुरू हुई है। कहाँ खड़ा, नीचे देखो, फतेह को देखो, एक मिनट फतेह को देखो। है फतेह, हेलो, आपने तो पनीर नहीं खाया, सॉरी सॉरी, यशा को लग गई। फतेह, टेस्ट के चक्कर में ना हमने बहुत खाया ना, यशा आपने भी खाई ना? हाँ, मैंने तभी को, मैंने फर्स्ट टाइम पनीर पकौड़ा ट्राई किया। आपको कैसा लगा? बहुत अच्छा लगा। मैंने ये वाला फर्स्ट टाइम ट्राई किया है ना, मैंने भी फर्स्ट टाइम ही ट्राई किया। सो गाइज, ये भाभी ने पकौड़े खा लिए थे, भाभी से अब स्पॉन्ज रसगुल्ले के लिए रुका नहीं जा रहा। ये देखो, ये स्पॉन्ज रसगुल्ला है, व्हाइट वाली है, और ये भाभी, इनको अब सबर नहीं हो रहा बिल्कुल भी, सच में नहीं। ये देखो, ये येलो वाली है। और मैं बताऊँ कौन से खाऊं, येलो वाली, व्हाइट वाली? आप व्हाइट वाली खाओ, बहुत अच्छा होता है व्हाइट रसगुल्ला, फेवरेट है ना। और ये देखो मेरी वाइफ गुड़िया, इन्होंने अच्छे से खाए हैं पकौड़े आज, अच्छे से खाए हैं, इतनी खुश हो रही हैं ये। इनका एक्चुअली हम लोग अभी अमृतसर से वापसी आए थे, दोबारा करनाल ये लेके आए हमें। हाँ, थक भी गए थे ना। नहीं, तो मैं जा रही हूँ ये खाने, क्या सच में मजा आ रहा है ना, आधा खा लो, मेरा हाथ साफ है, आधा खा लो। नहीं, आप खा लो, आप खा लो, आप खा लो। ओ वाओ, क्या बात है, वो ग्लास खा रहा है, इतना मजा आता, मुझे मेरे हस्बैंड के साथ आते वक्त भी नहीं होता। मारेंगे, ये देखो बेबी। और ये भाभी ने यहाँ पे टेस्ट कर लिया है स्पॉन्जी रसगुल्ला, ये हमारी यशा बीच में, मैं सिर्फ दो बाइट ले रही हूँ, अभी भाभी दो बाइट ले रही है, क्योंकि मुझे अभी रास्ते में जाते वक्त खाऊंगी, जाते हुए भी भाभी को खाना है। तो गाइस चलो ठीक है गाइस, अब मिलते हैं हम रास्ते में, अब हम लोग आपको दिल्ली जाके मिलेंगे वापस, वीडियो एंड कर देंगे, अब हम लोग वीडियो यहाँ पे एंड करते हैं। मुझे, मैं पर्सनली मैं बताऊँ, मेरा फर्स्ट ट्रिप है जीजू दीदी नूर के साथ, फतेह के साथ, तो मुझे तो बहुत अच्छा लगा, ज्यादा सपोर्ट मुझे इनसे मिले है जीजू से, क्योंकि मुझे थोड़ा सा मेरे को
इट्स नॉट अबाउट इंग्लिश, क्योंकि मेरे को हिंदी का थोड़ा प्रॉब्लम होती है, मेरे को हिंदी में थोड़ा एक्सप्लेनेशन करना, बताना एड्रेस का ये ब्ला 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 ब्ला, मेरे को बताना थोड़ा मुश्किल होता है, तो मैं शॉर्टकट में इधर उधर दिखा देती हूँ. बट सबसे क्लियरली मतलब नीट एंड क्लीन जिन्होंने एक एक चीज बताया, मुझे ये फील हुआ कि ब्लॉगर मुझे नहीं इनको होना चाहिए था, जीजू को होना चाहिए था. थैंक यू सो मच जीजू, आप मेरे लिए आए. थैंक यू सो मच गुड़िया दीदी नूर और यशा मेरी जान, मेरी ये भी आई है बेचारी, सुबह से आई है. आज हमें रोशनी भाभी के साथ हमारा फर्स्ट ट्रिप था और हमें इस ट्रिप में बहुत मजा आया. भाभी के साथ एंजॉय किया हमने, मैंने तो सच में बहुत एंजॉय किया. और मैं क्लियर बोलता हूँ कि मुझे आज बहुत अच्छा बहुत खुशी हो रही है. मैं ये को इतना अच्छा लग रहा है, मैं आपको बता नहीं सकता. और भाभी खुश है, मैं बहुत खुशी हो रही है. और प्लीज इनके चैनल को शेयर करना, सब्सक्राइब करना, लाइक करना, तो ज्यादा से ज्यादा इसको शेयर करना, ताकि जो हम मेहनत करते हैं, जहां हम आते जाते हैं, आप लोगों को इतनी दूर दूर का हम दिखाते हैं, वो सब जगह तक जाए, ताकि खाली हम ही एंजॉय ना करें और आप सब भी एंजॉय कर सके. मेरे को ये जरूर बोलना है इस वीडियो में, हैप्पी रहिए, खाते पीते रहिए, खुश रहिए. थैंक यू सो मच. पंजाबी में कुछ एक गल्ला, और पंजाबी एक गल, खाओ पियो ऐशी करो मित्रों, दिल पर किस दा दुखायो. चलो गाइस बाय बाय, गाइस बाय बाय, लव यू ऑल, बाय नूर, बाय नूर, बाय बाय, बाय बाय, बाय बाय, जब नूर, जब नूर.